लिव 26 अब एंटरटेनमेंट कभी भी कहीं भी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे हंसी है तो फिर जय बसावना। कम ऑन गाइस, मेक सम नॉइस। थैंक यू सो मच। हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू लेकर मैं गुजरात से आया हूं आपके बीच। एक नई कहानी लेकर आया हूं, भारत की बात करने के लिए आया हूं। हम सब लोग के दिल में इंडिया, भारत, हिंदुस्तान रचा बसा रहता है, इसलिए तो हम यहां पे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत है क्या? हमें पता नहीं कि भारत है क्या। काफी बार भारत शब्द क्या है? भार यानी प्रकाश का किरण, इसलिए सूर्य को कहा जाता था संस्कृत में भास्कर। और प्रकाश के किरण में कामदेव की पत्नी रति की तरह जो संलग्न हो जाता है, रथ हो जाता है, लीन हो जाता है, वो ज्ञान तेज के प्रकाश में डूबा हुआ सराबोर शिखर से पांव तक जो ज्ञान की तलाश करता है, वो भारत है। और उस देश के हम वासी है, वो हमारा वतन है, वो हमारा इंडिया है। अब कहीं भी जाइए, हमने बंगाल से आज शुरू किया, कल जो घूम रहे थे हमारी टीम आईना के लोग, वो दक्षिण भारत से घूम रहे थे। कहीं पे चटनियां है, कहीं पे अचार है, कहीं पे इडलियां है, कहीं पे रसगुल्ले और संदेश है, कहीं पे वेजमी है, पूरन पोली है, कहीं पे गोलगप्पे हैं। मेरे दोस्तों, किसी भी एयरपोर्ट के स्टॉल पे आप जाइए, आपको बीसियों तरह की चॉकलेट्स दिखाई देगी। लेकिन अकेले कलकत्ता में आप जाइए, आपको सहस्त्र तरीके के संदेश दिखाई देंगे। ये भारत है, ये हिंदुस्तान, ये देश नहीं, परिकथा है। परिकथा कहानियों का देश, किस्सों का देश। जब पूरी पृथ्वी के ऊपर कहीं पे भी अक्षर ज्ञान नहीं था, तब भारत ने बोलना सिखाया, भारत ने पढ़ना सिखाया, हमने गीत गाए, हमने जो पहली किताबें लिखी, ऋग्वेद विश्व की सबसे पहली किताब, उस श्लोक में है, कंपोज की गई हुई, संगीतबद्ध रुचाए, राग रागिणी से सराबोर। हमने कहानियां, विश्व का सबसे पहला महाकाव्य हमने लिखा रामायण। एक हीरो की तलाश जिसमें थी। नारद आते हैं वाल्मीकि को, कहते हैं कि मुझे एक ऐसा चरित्र, ऐसा करेक्टर चाहिए, तब स्वाध्याय निरतः, जिसको देख के पूरी दुनिया, पूरा संसार ऐसा कहे कि बेटा ऐसा होना चाहिए, पति ऐसा होना चाहिए, भाई ऐसा होना चाहिए, पुत्र, पिता, सब कुछ ऐसा होना चाहिए, कि राजा ऐसा होना चाहिए। और वो रामायण की कहानी सबसे पहले भारत में पहुंची। और आप सब, हम सब मिल रहे हैं यहाँ पे अमरीका, चलो गुजरात की काफी सारी एडिशंस हुई और उसके बाद ये पूरा एक्सपेंशन हुआ। मैं तो कहता हूं कि कृष्ण जो गुजरात में जन्मे नहीं थे, लेकिन गुजरात में रहने के लिए आ गए और द्वारिका के बन गए द्वारकाधीश। उनके उत्सव के करीब करीब पूर्व संध्या में हम इकट्ठा हुए यहाँ। और मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृष्ण जैसे द्वारका में रहे, लेकिन हस्तिनापुर को भी उन्होंने पूरा कंट्रोल किया, हस्तिनापुर के साथ भी रहे, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में भी उनका चक्र घुमा। जब जब हस्तिनापुर को जरूरत हुई, कोई ना कोई गुजरात से कहीं पे गया, चाहे वो मोहनदास भी हो, चाहे वो मुरलीधर मोहन भी हो, और चाहे वो नरेंद्रप्रस्थ भी हो। पहले इंद्रप्रस्थ था, अब आपको मालूम है, आपने तालियां बजा दी तो आपको ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं। मेरे दोस्तों, ये जो भारत की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये हीरोज की कहानी है, सुपर हीरोज की कहानी। मैं एवेंजर्स का टी शर्ट पहन के आपके सामने आया। ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में सुपर हीरोज नहीं है। मैं तो काफी सारी फिल्में देखता हूँ। एक बार थोर फिल्म देखने के लिए चला गया था हमारे राजकोट के गैलेक्सी सिनेमा में, हाउसफुल था, टिकट नहीं मिली, वापस आ गया। सोचा दिमाग में कि ये पैगन देवता है थोर, जिसकी कोई पूजा नहीं करता आज के संसार में। पैगन देवता तो ग्रीस के साथ, यूनान की संस्कृति के साथ, मिस्र की संस्कृति, इजिप्ट के साथ चले गए कहीं पे। अब तो कोई उनको पूछता नहीं, सिर्फ पिक्चर पोस्टकार्ड्स रहते हैं, उनके खंडहरों के बीच हम जाके घूम के आते हैं। लेकिन उसकी अगर फिल्म बनती है, वो अगर मार्वल कॉमिक्स का हीरो बनता है, तो हमारे पूरे भारतवर्ष में वो एवेंजर्स सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाती है। रुडयार्ड किपलिंग ने भारत के जंगलों में बैठ के जंगल बुक लिखी, जब ब्रिटिश इंडिया का राज था उस वक्त। वो मोगली पिछले साल सबसे ज्यादा हिट फिल्म भारत में रही, जंगल बुक। थोर का हथौड़ा देखा तो मुझे हनुमान की गदा याद आ गई। दोस्तों, थोर के पास जो हथौड़ा आया, वो तो मार्वल कॉमिक्स की वजह से 20वीं सदी में आया और 21वीं सदी में उसकी फिल्म एवेंजर्स में आई। लेकिन हनुमान की गदा 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। वो हमारे फर्स्ट सुपरमैन थे। हवा में उठते थे, सूरज तक पहुंच गए,
आप खरीद लीजिए, माइथोलॉजी है, फैंटेसी है, तो मार्वल कॉमिक्स भी माइथोलॉजी है, फैंटेसी है, डीसी कॉमिक्स भी माइथोलॉजी है, फैंटेसी है, लेकिन उनके हीरो के साथ हमें अपनापन लगता है क्योंकि उनका पैकेजिंग बढ़िया रहता है, उनका प्रेजेंटेशन बढ़िया रहता है, और नई पीढ़ी की सोच के साथ अपने आप को वो ट्यून कर देते हैं, फ्यूजन कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये भारत हमें निर्माण करना है, अब नया भारत ये दिखाना है, हमारी नई पीढ़ी। उस दिन से मैंने संकल्प किया कि ऐसी किताब में लिखूंगा और ऐसी किताब में ऐसे चित्र बनवाऊंगा कि जिसमें कृष्ण सुपर हीरो के तौर पर हो, सिक्स पैक और एट पैक बॉडी वाले कृष्ण। हम आमिर खान की दंगल देख के झूम लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि कृष्ण ने दंगल ही किया था कंस को मारने के लिए। चारों और मुष्टिक दो पहलवानों के साथ भिड़ गए थे कृष्ण और बलराम लंगोट चढ़ाकर। तो उनका बॉडी सिक्स पैक ही होना चाहिए, एट पैक ही होना चाहिए, लेकिन हम दिखाते नहीं, हमें पता नहीं चलता कि इस तरीके से कहानी कही जाती है। हम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के 6 ट्रायलॉजी के 2-2 भाग बना लिए, फिर हॉबिट बना लिए, न्यूजीलैंड का पूरा टूरिज्म डेवलप हो गया उसकी वजह से, पीटर जैक्सन ने जो फिल्में बनाई उसकी वजह से, और हमारे पास पूरी रामायण की गाथा है, स्टोरी ऑफ ए फेलोशिप, फेलोशिप ऑफ द रिंग, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पहला भाग का जो नाम है फेलोशिप ऑफ द रिंग, हमारे पास रामायण है दोस्त, फेलोशिप की कहानी। आप सब यहां पे क्यों है? आप अमेरिका में हैं, क्यों है अमेरिका में? अगर हिंदुस्तान, भारत इस पृथ्वी पे नहीं होता तो आज का अमेरिका भी यहां पे इस पृथ्वी पे नहीं होता, क्योंकि कोलंबस ढूंढने चला था भारत को और पहुंच गया अमेरिका, इसलिए अमेरिका है। मैं कोलंबस के भारत में आया हूं, कोलंबस के हिंदुस्तान। मेरे दोस्तों, हमारी वजह से कितनी सारी यात्राएं की गई, वास्को डी गामा कहीं से निकला, कोलंबस कहीं से निकला, फ्रेंच लोग आए, डच लोग आए, ब्रिटिशर्स आए, पूरी दुनिया को एक पता मालूम करना था कि भारत कहां पे है, हिंदुस्तान कहां पे है, क्योंकि हम हीरोज के देश थे। आपने 300 फिल्म देखी होगी, लियोनाइडस, स्पार्टा, एथेंस, जेरेक्सस, पर्शिया, पूरी एक बैटल ऑफ थियोपोली की कहानी है कि 300 सैनिक कैसे अकेले जूझ गए कि हम यहां पे खड़े हैं तब तक आप हमारी धरती पे पांव नहीं रख सकते, ये कहानी आपने देखी होगी। लेकिन हमारे झवेरचंद मेघाणी ने गुजरात में एक चौथा माणिक की कहानी सुनाई थी, उसी तरीके की कहानी। आपने टाइटैनिक देखी होगी, लेकिन एक ऐसी कहानी हाजी का संतारी विजड़ी बंबई में हुई थी जिसमें एक जहाज डूब गया था, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हम कहां से, हमारे रूट्स कहां पे। अगर हमारे रूट्स डीप होंगे तभी हमारे फ्रूट्स स्वीट होंगे। लेकिन मैं ऐसे रूट की बात नहीं करूंगा जो जुनून पैदा करते हैं, मैं ऐसे रूट की बात नहीं करूंगा जो नेगेटिविटी पैदा करते हैं, मैं ऐसे रूट की बात नहीं करूंगा जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों का सम्मान नहीं करते, क्योंकि मैं उस देश का वासी हूं जहां पे सबसे पहले फ्रीडम का उद्घोष कहा गया, सबसे पहले डेमोक्रेसी का उद्घोष कहा गया। हम जो जन्माष्टमी मनाने जा रहे हैं वो कृष्ण की द्वारिका में सुधर्म सभा थी दोस्तों, पार्लियामेंट थी, अकेला राजा डिसीजन नहीं ले सकता था, उनके उनके साथ लोग जुड़े हुए रहते थे, और वही कृष्ण ने सर्वधर्मान परित्यजात्मा में क्षणम रज गीता में कहने के अलावा भी ऐसा एक वाक्य कहा कि जहां से डेमोक्रेसी का, लोकशाही का जो उद्घोष हुआ, फ्रीडम का, ह्यूमन राइट्स का जो उद्घोष हुआ, वो वहां से हुआ, ग्रीस से नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक वाक्य है भगवत गीता में, यथेच्छसि तथा करो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, तुम्हें अगर अंदर से कन्विंस हो तो मेरे पीछे आओ, मेरे फॉलोअर सिर्फ ट्विटर में फेसबुक में बनते हुए समझ बनो, मेरा तो अनुभव है दोस्तों, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम में बड़ा सक्रिय रहता हूँ, एक्टिव रहता हूँ, काफी सारे लोग यहाँ से भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, यूट्यूब पे प्लेनेट चेरी चैनल भी अभी शुरू कर दी, उसमें भी काफी सारे सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं। तो एक दिन मुझे डायरिया हो गया, तो फेसबुक पे जगरबर साहब लिखते हैं, व्हाट्स इन योर माइंड, आपके दिमाग में क्या है वो लिखो। तो मैंने लिखा, टुडे आई एम हैविंग डायरिया। अब जिसको जो बीमार होगा उसको तो अपनी बीमारी ही याद आएगी उस सुबह, तो नीचे लोग लाइक करना शुरू कर दिए, 2-3 लोगों ने शेयर कर दिया उसको, टुडे आई एम हैविंग डायरिया। हमारा दोस्त जो कोई भी अपलोड करता है उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ये तो जैसे हमारी गृहिणियां होती है ना हिंदुस्तान में कि तुम ये सब्जी दे दो तो मैं ये सब्जी ले आती हूं तुम्हारे लिए, वाटकी व्यवहार हम कहते हैं गुजरात में इसको, वो शुरू हो गया। 17वीं 18वीं कमेंट में किसी ने लिखा ग्रेट, किसी ने लिखा वाव, किसी ने लिखा सुपर। हम ढूंढते नहीं अपनी पहचान को, अपने हीरोज को, अपनी कहानी को। तो यथेच्छसि तथा करो गीता में कहा गया, वो बांसुरी की आवाज में सुनाई नहीं देती,
आप सब लोग यहाँ पे हैं क्योंकि आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा। कोई पंजाब से होगा, कोई केरला से होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा, कोई हरियाणा से होगा। आप एक कंफर्ट जोन में थे, आपको कभी सोच में आते हो अगर कौन बनेगा करोड़पति, ह्यूमन सुपर मिलियनेयर खेला जाए और उसमें भारत के प्रश्न आपको पूछे जाए, तो पहली पायदान का जो सवाल होगा वो बड़ा सिंपल सा होगा। बच्चन साहब आपको पूछेंगे कि राम के पिता का नाम क्या था, राम के बेटों का नाम क्या था। चार ऑप्शन देंगे, आपको पता होगा जबानी। दशरथ राम के पिता का नाम था, हमारे मुरारी बापू जी की कहानी, राम कथा सब कोई सुनते हैं यहाँ पे भी। आपको पता होगा कि राम के बेटों का नाम लव कुश था। मैं आपको एक अगली पायदान वाला करोड़ों रुपये का सवाल आपको पूछता हूँ, लव कुश के बेटों का नाम क्या था, बेटियों का नाम क्या था, दशरथ के माता और पिता का नाम क्या था। तो फोन ए फ्रेंड में हमें मुरारी बापू को ही फोन लगाना पड़ेगा, लाइफ लाइन लेकर। दादा और पोते पोतियों का नाम हमें पता नहीं, क्यों? इसलिए पता नहीं क्योंकि राम अकेले ऐसे राजा थे, बाकी सब तो अयोध्या के महापुरुष हुए, राजा हुए, लेकिन राम ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा। हीरो वो होता है जो जर्नी करे, जो यात्रा करे। हम परिकथा है, फैंटेसी लैंड की कहानियां जब सुनते थे तब क्या होता था, एक एक राजकुमार निकलता था घोड़े पे बैठ के, और वो कहीं पे एक राजकुमारी कैद होती थी और उसको देख के उसके पीछे 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 भागता चला जाता था। सोचिए जरा क्या होता था उसमें, वो जो ट्रेडिशनल पाथ है उसको ब्रेक करता था और अपना नया रास्ता खुद ढूंढता था। हमारे हरिवंश राय बच्चन की अद्भुत कविता है, जब जीवन में हताशा का अंधेरा आए, आपको याद करनी चाहिए अपने अंदर के हीरो को ढूंढने के लिए। असफलता एक चुनौती है, उसे देखो और स्वीकार करो, कहां कमी रह गई सोचो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही कभी जी कार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं। कीप ट्राइंग माय फ्रेंड्स, कीप ट्राइंग, पुश कीजिए अपना, कुछ वक्त बिताइए अपने आप के साथ, अपना कंफर्ट जोन को एक्सपांड कीजिए, एक्सटेंड कीजिए। हमारे डिस्कवरी चैनल का सूत्र है एक्सपांड योर होराइजंस, यहाँ की चैनल अमेरिका की, एक्सपांड योर होराइजंस, अपने क्षितिज को विस्तार। क्षितिज इमेजिनरी लाइन है, आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते क्षितिज को, होराइजन को, लेकिन आप अगर जर्नी करते हैं होराइजन तक जाने के लिए तो पूरा संसार आपके बीच आ जाता है। आप हवाओं के साथ मिलेंगे, आप शिखर में जाएंगे, आप समंदर की तूफानों के साथ टकराएंगे, और उसके बाद जो आएगा वो हीरो होता है, वो हीरोइन होती है अपनी लाइफ की। एक कंगना रनौत की फिल्म आई थी क्वीन, एक लड़की जिसका हनीमून भी नहीं हो पाया, उसका फ्यूचर हस्बैंड उसको रिच करके चला गया, ब्रेकअप हो गया, और वो अकेली घूमने जाती है पूरी दुनिया और वापस आती है तो अपनी खुद की लाइफ की रानी बन जाती है, क्वीन बन जाती है। अपने अंदर के सुपर हीरो की तलाश की कहानी भारत की कहानी। राम चूंकि बाहर निकले तो उनकी फेलोशिप हुई, उनको हनुमान मिले, उनको शबरी मिली। अब देखिए, सोचिए जरा, उनको केवट मिले, उनको सुग्रीव मिला, उनको रावण भी मिला, लेकिन अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ी चैलेंज आप हाथ में लोगे, जैसे टीम आईना ने ली, यहाँ पे चलो गुजरात भी पहले करके दिखाया पूरे विश्व में, और फिर चलो इंडिया भी पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, पहले विश्व में पहले करके दिखाया। अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा बड़ी चैलेंज के साथ आप भिड़ जाओगे और उसको अगर कॉन्कर करोगे तो आपका नाम का दशहरा, आपका नाम की दिवाली, आपके दिए चलेंगे हर जगह। ये कहानी है हमारे हिंदुस्तान की, इसलिए मैं कहता हूं कि भारत एक बड़ी कथा है। इट्स नॉट अ लैंड ऑफ बिलियन पीपल माय फ्रेंड्स, हम लोग कहते अरबों खरबों का देश है, नहीं, ये बिलियन पीपल ऐसा देश नहीं है, ये देश है बिलियन स्माइल्स का। हर तरह की मुसीबत में हम हंसना सीखते हैं। कौन है भारत का हीरो, मैं आपको बताऊंगा आगे, भारत का हीरो कौन है, सुपर हीरोज कौन है। मुझे पता है कि व्याख्यान है, इतना सारा संगीत चल रहा है, इतना सारा नृत्य चल रहा है, और उसके बीच में मैं दानव जैसा, असुर जैसा दिखाई दूंगा, ये थैनोस जैसा दिखाई दूंगा कि बीच में आ गया इन्फिनिटी गॉब्लेट ढूंढने के लिए अपने स्पीच का। लेकिन मैं जो बात ये करना चाहता हूं कि ऐसा स्टेज, ऐसा मौका, इतने सारे अच्छे फलद्रुप दिमाग वाले, इतने सारे प्यार से सुनने वाले लोग मुझे कहां मिलेंगे। मैं यहां पे कोई बात करने के लिए नहीं आया, मैं नाचने नहीं आया हूं, मैं गाने नहीं आया हूं, मैं बोलने भी नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ आपको जगाने आया हूं कि अपने अंदर के हीरोज को पहचानिए, अपनी विरासत के सुपर हीरोज को पहचानिए। हम ये कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि किसी और का इंसल्ट हमें करना है। वॉल्ट डिज्नी के सुपर हीरोज यहाँ पे इतने फेमस हो गए हैं, हम लोग उसके टी शर्ट बना लिए, डिज्नी स्टूडियो का ही टी शर्ट मैंने मैनहट्टन से लिया हुआ है, टाइम्स स्क्वायर से, उसने ही बनाया है।
अब देखिए अलादीन तो उनका नहीं था, कुरुप से आया। सिंड्रेला भी यहाँ की नहीं है, अमेरिका की नहीं है। स्नो वाइट भी अमेरिका की नहीं है, स्लीपिंग ब्यूटी भी नहीं है। रापुंजल तो फ्रांस से आई प्रिंसेस। छः छः डिज्नी प्रिंसेस की अच्छी अच्छी डॉल मिलती है, ड्रेस मिलते हैं, फ्रॉक मिलते हैं, लेकिन वो तो जर्मनी की है, फ्रांस की है, यूरोप की है, ग्रीम ब्रदर्स की है। लेकिन डिज्नी ने इतनी अच्छी तरीके से, इतने सलीके से उनका पैकेजिंग किया, कहाँ से ब्रिटेन से ली कहानी, कहाँ से जर्मनी से ली कहानी, लेकिन पूरे संसार को मोह लिया उसकी वजह से। हम क्यों नहीं बना सकते? मैं तो कहता हूँ कि हम एक मानसून थीम पार्क बना सकते हैं भारत में। हमारा जो मानसून है, हमारी जो बारिश है, हमारी जो वर्षा ऋतु है, वो उसके लिए जो गीत लिखे लोगों ने, मेघदूत, अब आप इस्तेमाल करते होंगे अपने मोबाइल में। अब कोई डीवीडी ड्राइव ही नहीं रखता अपने घर पे कंप्यूटर में। मैं यहाँ पे किताबें लेके आया, वो डीवीडी लेके आया, तो लोग कहते हैं कि डीवीडी तो हमारे अब चलती नहीं, पेन ड्राइव चलती है। यूट्यूब पे देखते हैं आप लोग, क्या है ये? क्लाउड स्टोरेज है, मैसेंजर क्लाउड को भेजा गया। तो मेघदूत कालिदास ने जो कल्पना की वो क्या थी? एक प्रेमी है, अपने प्रेमिका को कुछ मैसेज भेजना चाहता है, और मैसेज कैसे भेजा उसने? बादल के थ्रू भेजा। बादल को बताया, क्लाउड को बताया कि मैं यहां पे, तुम वहां, मैं यहां, ऐसा गीत गाए। तो हमारे पास ये कल्पना है, हमारे पास ये फैंटेसी है। लारा क्रॉफ्ट के टॉम राइडर की रिबूट हो गई है, अभी पूरी गेम है फैंटेसी लैंड में। लारा क्रॉफ्ट फ्रंट्स गेम है, वीडियो गेम है। वो सर्च करती है पूरी जगह पे जाके पुरातत्व के खजानों को, और एजुकेट करती है बच्चों को भी, और खेलने का आनंद भी देती है। आप जरा कृष्ण का आनंद उठाते हुए पढ़िए कृष्ण नरकासुर संग्राम का वर्णन, उसके दुर्ग कैसे थे, उसमें कैसे कृष्ण गए, कैसे उन्होंने वॉर की, कैसे जीते, आपको कम नहीं दिखाई देगा वो लारा क्रॉफ्ट से। लेकिन हम वीडियो गेम बना के वो नई पीढ़ी के बच्चों तक पहुंचा नहीं सकते। ये मरे हुए पैगन देवता जिंदा हो गए मार्वल कॉमिक्स की वजह से। हमारे दिलों में जो जिंदा देवता है उनको हम हीरोज बना के दुनिया को सामने पेश नहीं कर सकते। हमें करना होगा। हम डेढ़ अरब की आबादी वाला भारत, हिंदुस्तान, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बसते, मेरे सामने बैठे हुए लोग जिन्होंने अपना अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक यात्रा की, एक जर्नी की, अपने फैमिली के लिए हीरो बने, दूसरों की सहायता की, दूसरों के चेहरों पर स्माइल दिया। अभी एक हमारे भारत में एक वीडियो वायरल हुआ, प्रोफेसर संजीव श्रीवास्तव, तो वो नाचने लगे गोविंदा के डांस के ऊपर। उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी उनका सम्मान भेज दिया, पूरे भारत में शेयर किया गया उनका वीडियो, क्योंकि एक प्रोफेसर साहब बड़ी उम्र में, उनका शरीर भी मेरी तरह जरा हैवी वेट, फिर भी नाचे हंसते हुए। तो गोविंदा ने उनको पुरस्कृत किया बुलाकर, और उस वक्त पूछा गया कि भाई सीक्रेट क्या है, डांस अच्छा कैसे लगता है? तो गोविंदा जब नाचते हैं, माधुरी दीक्षित जी जब नाचते हैं, इतने सारे लोग जब नाचते हैं, तो वो हीरोइन कहलाते हैं, वो हीरो कहलाते हैं। पीछे भी काफ़ी सारे लोग पीटी की एक्सरसाइज करते हुए, फिजिकल ट्रेनिंग की, जिम में एरोबिक्स करते हुए नाचते हुए ऐसे नाचते हैं, 150 डांसर्स होते हैं, वो क्यों हीरो और हीरोइन नहीं कहलाते? आपको कभी, आपने कभी सोचा है? वो इसलिए नहीं कहलाते मेरे दोस्तों, क्योंकि उनके चेहरे पर नाचते वक्त स्माइल नहीं होता, पसीना होता है। तो जिंदगी जब हमें नचाती हो, संजोग सरकमस्टेंसेस जब हमें नचाते हो, मुश्किलें जब हमें, मुसीबतें जब नचाती हो, तब हम नाचना तो सीखते हैं, लेकिन जब स्माइल करते हैं जिंदगी के सामने, मुसीबतों के सामने, तब हम हीरो और हीरोइन बन जाते हैं अपनी लाइफ में। ये कहानी होती है हीरो की। इफ लाइफ थ्रोस लेमन एट यू, हैव अ स्पून फुल ऑफ शुगर इन योर पॉकेट, एड दैट शुगर, दैट शेशे इन द लेमन एंड मेक अ लेमोनेड एंड जस्ट ड्रिंक इट। That's the attitude. If storm is telling you that I am coming, you can tell that okay, welcome, because I am the storm. Leonardo DiCaprio, Titanic के जमाने से चले आ रहे हैं कि ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला, ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला, हर बार नया सूट सिलवा के पहुंच जाता था। पहले कोडाक थिएटर था, वो डॉल्बी थिएटर बन गया पूरे आईले में, लेकिन लियोनार्डो को ऑस्कर नहीं मिला। लेकिन उसने हार नहीं मानी, एक से एक चैलेंजिंग रोल किए, अच्छे से अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किए। हॉलीवुड के इस वक्त जितने जाने माने निर्देशक हैं, सभी के साथ लियोनार्डो काम कर चुका है। देख लो, सभी के साथ, क्वांटिन टेरेंटिनो भी आ सकता है उसमें, और स्टीवन स्पीलबर्ग भी आ सकता है, रेंज देखो उसकी। और 21 साल के बाद जब उसको मिला अवार्ड ऑस्कर, तब मुझे याद है CNN ने जो हेडलाइन बनाई थी उस वक्त, ऑस्कर गेट्स लियोनार्डो डिकैप्रियो। ये होता है हीरो, पर्दे पे नहीं,
आप जो वेट करते हो आपकी वो एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए, एक चीज के लिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं और काम करूंगा, मैं कर्म करूंगा, मैं और कर्म करूंगा, मैं और कर्म करूंगा, एक दिन दिखा दूंगा, द डे विल कम, वी शैल ओवरकम वन डे, ये होता है। तो मेरे दोस्तों ऐसी कहानी हमारे पास है। हमारे दुष्कुमार चरित, एक बाहुबली फिल्म आई और दुनिया को पता चला बाहुबली तो एक फैंटेसी कैरेक्टर है, लेकिन दुनिया को पता चला कि ऐसे हीरो बन सकते हैं, हम भी ये फिल्म बना सकते हैं, हम भी ऐसी कहानियां कह सकते हैं, हमारा स्केल भी लार्ज हो सकता है। यहां पे मैंने कुछ एड भी देख रहा था, उसमें भी था। हमें ये बात इसलिए कहनी होगी कि हमें खुद तलाश है, पूरी दुनिया को तलाश है हीरोज की। क्यों हीरोज पसंद आते हैं लोगों को, क्यों क्यों हीरोइन और हीरो हमें पसंद आते हैं? वो अंधेरे में हमें रास्ता दिखाते हैं। स्पाइडरमैन 2 में बहुत अच्छा डायलॉग, जब स्पाइडरमैन थोड़ा डिप्रेस हो जाता है, 2004 में वो मूवी आई थी, और स्पाइडरमैन 2 में मैरी उनकी जो उसकी जो दादी है, उसको जिसने पाल पोस के बड़ा किया है उसको, पीटर पार्कर को, तो वो स्पाइडरमैन कहता है कि मुझे नहीं करनी है हीरोगिरी, नहीं करनी, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मैं टाइम पे पहुंच नहीं पाया उसके साथ ड्रामा देखने के लिए, ब्रेकअप हो गया मेरा, नहीं कर बनना है मुझे स्पाइडरमैन। तो वो बूढ़ी आंट मैरी उसको कहती है कि डू यू नो बच्चों को हीरोज क्यों चाहिए, बच्चों को हीरोइन क्यों चाहिए, कोई वंडर वुमन क्यों चाहिए, कोई कैप्टन अमेरिका क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि वो हमें प्रेरणा देते हैं कि जहां पे खड़े हो और क्विट करने का जब सोचते हो तब एक सेकंड ज्यादा रुक जाओ, कुछ नया होने वाला है, कुछ चमत्कार होने वाला है। इसलिए चाहिए हमें हीरोज, इसलिए चाहिए हमें आइकॉन्स जिसके सामने हम देख सके, जिसके कुछ मॉरल्स हो। हैरी पॉटर की कहानियां हमने सुनी, जादू की कहानियां, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, यहां पे मैं ड्रामा पिछली बार जब आया था देखने के लिए गया था ब्रॉडवे में, हैरी पॉटर के दोनों भाग देख लिए। क्यों हैरी पॉटर? हैरी पॉटर तो जीतता ही नहीं अकेला, उसके साथ हरमायोनी होती है, उसके साथ रॉन होता है, उसके साथ डेविल होता है, और उसका प्रिंसिपल डंबलडोर कहता है उसको कि तुम्हारे सामने जो चैलेंज है वो बड़े विकराल जादूगर वोल्डेमॉर्ट की है, लेकिन तुम इसलिए जीतोगे क्योंकि मुझे एक चीज पता है जो उसको नहीं पता, पावर ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप। तुम प्यार करना सीखा, तुम दोस्तों के साथ उसकी हेल्प करते हो, तुम्हारे लिए कोई लड़ेगा, उसके लिए कोई नहीं लड़ेगा। मेरे दोस्तों ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, हमारी फैमिली सिस्टम जो है वो भारत है, हमारा जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो भारत है। आपको बर्गर तो हर जगह पे एक समान मिल जाएंगे, अब मैकडोनल्ड्स की फ्रेंच फ्राइज पूरी दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड की मिल जाएगी आपको, यूनिफॉर्म। लेकिन जो हमारी माँ की चटनी थी वो उसकी ही थी, वो अगर विरासत में अपनी बेटी या बहू को देगी तभी वो चटनी जिंदा रहेगी, वरना खो जाएगी। वो हमें जिंदा रखना, वो स्वाद हमें जिंदा रखना, वो एहसास हमें जिंदा रखना। हमारे मोरारी बापू ने कथा की थी जूनागढ़ में, तो मुझे बोला, बोलने के लिए कहा था स्वाद ब्रह्म के ऊपर बोलो, तो मैं वहां पे बोलने के लिए गया और मैंने बोला स्वाद ब्रह्म के ऊपर। तो उसमें मैंने बात सुनाई थी, मेरा जाति अनुभव था, पहली बार जब मैंने फ्रेंकी खाई, लोग कहते थे फ्रेंकी है इन थिंग है, यहाँ पे तो रैप है, बरीटो है, मेडिटेरियन फलाफल बिक रहा है, सुशी बिक रही है जापान की, तो हमारी इडली और ढोकला ने क्या गुना किया है भाई, वो भी हेल्दी फूड ही है। टाइम मैगजीन का सर्वे कहता है कि फर्मेंटेड फूड जो है वो हेल्दी होते, वो भी हेल्दी, लेकिन हम उसको प्रेजेंट नहीं करते। तो मैंने उस वक्त कहा कि जब पहली बार फ्रेंकी खाई तो अच्छी लगी कि नई चीज है, जब उसका बिल देने का आया तो बुरी भी लगी, बड़ी महंगी चीज है। लेकिन मेरे दोस्तों मुझे याद आ गया, जब मैं छोटा था, मैं तो होम स्कूल में पढ़ा, घर पे पढ़ा, मेरे बाबा अपने रोज एक किताब देके मेरी पढ़ाई थी, उस जमाने में टीवी नहीं था, उस जमाने में इंटरनेट नहीं था, इस तरीके से अपब्रिंगिंग किया कि पूरी दुनिया की कहानी की विरासत मुझे मिले। तो उस वक्त जब मैं थोड़ी मस्ती करता था, थोड़ी धमाल करता था किचन में, माँ जब रसोई बना रही थी तो मेरी मम्मी मुझे एक रोटी लेके उसमें घी लगा के उसमें चीनी डाल के या मध डाल के शहद डाल के और या फिर गुड़ डाल के एक पपूड़ा बना देती थी, जिसको हम गुजराती में कहते हैं पपूड़ा, और वो मैं खाता था। हम फ्रेम की पहुंच गई अहमदाबाद तक, फ्रेम की पहुंच गई सूरत तक, फ्रेम की पहुंच गई भूज तक, लेकिन पपूड़ा क्यों नहीं पहुंचे यहां तक, ये मुझे क्वेश्चन होता है। आपको लगता है कि पपूड़ा कैसा नाम हुआ? तो भाई नोकिया क्या है? फिनलैंड की एक नदी है। सैमसंग क्या है आपको पता नहीं? सैमसंग नाम है,
कोरिया का, एप्पल तो ठीक है पता है, होता है कि एप्पल यानी सफरजन सैमसंग क्या है किसको पता है, गूगल करना पड़ेगा। तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए हमारे भीतर हीरो बनने के लिए, वो कॉन्फिडेंस के साथ, वो आत्मविश्वास के साथ। जब एडमंड हिलरी और शेरपा तनसिंह ने संसार के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट को सर किया, उस वक्त कोई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई चैनल भी नहीं थी, कोई अवार्ड भी नहीं था, कोई खजाना भी नहीं था वहां पे, लेकिन वो इसलिए करना चाहते थे। हिलरी ने सर एडमंड हिलरी वो उन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट बिकॉज इट इज देयर एंड व्हेन इट इज देयर इट चैलेंजेस।